हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लोगो और बैनर डिजाइनिंग के बारे में कि लोगो कैसे बनाते हैं और बैनर कैसे बनाते हैं। देखिए, लोगो और बैनर बनाने के लिए हमारे पास एक पोर्टल है जिसका नाम है canva.com। मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। ये आपका पोर्टल है canva.com। तो जैसे आप canva.com टाइप करेंगे, आपको इस टाइप से यहाँ पे सब मिल जाएगा डैशबोर्ड। ठीक है, अब देखो पॉइंट ये है कि आप इसमें क्या क्या बना सकते हैं। ये जो पोर्टल है canva.com बहुत ही आसान है, इजी टू यूज है और कोई भी इसको आराम से बना सकता है जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग नॉलेज नहीं है, जिनको फोटोशॉप नहीं आता, जिनको कोरोडो नहीं आता। ठीक है, तो इजीली इस पर अपना काम कर सकते हैं canva.com के ऊपर। इसमें क्या क्या बना सकते हैं देख लेते हैं। इसमें हम लोगो बना सकते हैं, इसमें हम बैनर बना सकते हैं, ठीक है, और थंबनेल्स बना सकते हैं, और इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सोशल फीड्स एड्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं, प्लानर रिज्यूम बना सकते हैं, वेबसाइट टेम्पलेट्स, सर्टिफिकेट, बहुत कुछ इसके अंदर डिजाइन है। मैंने इसमें आपको काफी कम बताई है अभी, बट बहुत सारी ऐसी वराइटीज हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, बट हमारा जो मेन पॉइंट है वो है केवल लोगो और बैनर डिजाइनिंग। बाकी सबके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी सब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। ये हमारा पोर्टल है canva.com। ये टेम्पलेट्स पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो जो आपको इसके अंदर अवेलेबल है, जो जो आप इसके अंदर डिजाइन बना सकते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपका इन्विटेशन कार्ड, कार्ड्स, रिज्यूमे, पोस्ट कार्ड, टू डू प्लानर्स, टी शर्ट्स, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट के टेम्पलेट्स, ठीक है, लोगो, बिजनेस कार्ड, इनवॉइस, प्रपोजल्स। मैं काम कर रहा हूँ, आपको चार पांच चीजें दिखा, एक बार इसमें डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, आप डेमो देख लीजिए, बाकी हम काम करेंगे दो पॉइंट्स के ऊपर जो हमारा मेन पॉइंट है, पहला लोगो, सेकंड बैनर। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे देते हैं। दो तरीके हैं सर्च करने के, या तो आप यहाँ जाके सर्च कर लीजिए जो आपको बनाना हो। जैसे कि मैं यहाँ सर्च करता हूँ लोगो, सर्च किया, लोगो पे क्लिक करा और ये हमारे लोगो पर यहाँ पर डिजाइन आ गए। ठीक है, आपको जो भी लोगो बनाना हो बना सकते हैं। मैं एक इस पर क्लिक करता हूँ। अभी इसमें हम केवल इसका ओवरव्यू लेंगे, डेमो लेंगे, इसमें हम आपको कुछ बना के नहीं दिखाएंगे, केवल आप समझ लो हम इसमें कैनवा के अंदर क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो ये देखिए लोगो है, अगर बात करते हैं गेमिंग लोगो की तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, गेमिंग लोगो देखिए सारे सीओर करेंगे, सारे के सारे लोगो जाते गेमिंग लोगो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं और चेक करते हैं नीचे, ये आपके आठ डिजाइन लोगों से, इसके लिए चेक करते हैं सीओर, तो ये आपके आठ डिजाइन लोगो बना सकते हैं। सिंपल है, क्लिक करेंगे, आपको कोई भी लोगो पसंद है उस पर क्लिक करेंगे, वो आपका यहाँ आ जाएगा। और एडिटिंग कैसे करते हैं आपको बताएंगे लोगो वाले वीडियो में, अभी खाली ये वीडियो ओवरव्यू का वीडियो है। हटाते हैं इसको, तो इसी तरीके से आपको गेमिंग हो गया, डिजाइन हो गया, फैशन लोगो हो गया, ब्रांड लोगो हो गया, कंप्यूटर लोगो हो गया, फूड या रेस्टोरेंट्स टाइप से लोगो हो गया, एजुकेशनल लोगो हो गया, इस टाइप से काफी वैरायटीज यहाँ पे अवेलेबल है जो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी बंद करते हैं और अगला हमारा टॉपिक है लोगो हटा के हम देखते हैं सर्टिफिकेट्स। टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, ये सर्टिफिकेट सैंपल्स आ गए, आप किसी भी सैंपल पर क्लिक कर सकते हैं। ओके क्लिक। अब यहां देखो साइड बार में जितने भी सैंपल्स हैं सारे आपके सामने आ जाएंगे, आप कोई भी सैंपल चूज कीजिए, उस पर अपनी एडिटिंग कीजिए और उसको अपने नाम से एडिटिंग कर, जैसे अवार्ड लोगो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, वर्क सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट। सपोज कीजिए मैं लेता हूँ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं सीओ पे, तो सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके सामने आ गए। ये देखिए इस टाइप से हम कोई भी लोगो बना सकते हैं, किसी भी लोगो को आप चूज करिए, किसी भी सर्टिफिकेट को आप यूज करिए। सपोज कीजिए मैं इसको चूज करता हूँ, ये यहाँ आ गया, इसके अंदर छोटी सी एडिटिंग करनी होती है हमें, ठीक है, और आपका यहाँ से सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है। आगे चलते हैं इसके अंदर हम, चलो इसको हटाते हैं सर्टिफिकेट्स को, अगला देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बना सकते हैं। बैनर्स, ठीक है, क्लिक करा, ये बैनर्स आ गया आपके, एक बैनर पे क्लिक करते हैं, ये बैनर क्या आता है आपका वेबसाइट का हेडर जो बैनर लगाते हैं। तो वेबसाइट के हेडर का बैनर बनाने के लिए आपको सिंपल कैनवा में जाना है, डिजाइन चूज करना है और देखिए आपके सामने कितने डिजाइन आपके सैंपल आपके सामने शो हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे ये आपके बैनर के डिजाइन है, इसके अलावा अगर आपको अपनी कोई इमेज यूज करनी है तो यहाँ पे अपलोड इमेज में जाके आप उस इमेज को डाल के अपने इमेज लगाकर उसको यूज कर सकते हैं, कंटेंट आप अपना डाल सकते हैं इसके ऊपर, आप कंप्लीटली पूरा बैनर चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
ये बैनर के डिजाइन है, इसको हम समझेंगे बनाने वाले पार्ट में। आगे चलते हैं। इसी तरीके से टेम्पलेट्स में देखेंगे तो विजिटिंग कार्ड्स, रिज्यूम, एक बार उसको क्लिक कर लेते हैं, विजिटिंग कार्ड को चेक कर लेते हैं एक बार, एक बार रिज्यूम को भी चेक कर लेते हैं। ओके, और लोगो में चेक कर लिया, बिजनेस कार्ड अगर चेक कर लेते हैं लोग, और सर्टिफिकेट में चेक कर लिया है, और प्लान अगर चेक कर लेते हैं। इसी टाइप से बहुत सारी वैरायटीज आपके सामने अवेलेबल हैं, जिनके बेस पे आप अपने कोई भी काम जो आपको ग्राफिक वाले करने हैं इसके बेस पर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। अभी टेम्पलेट्स वाला था, ये कार्ड टेम्पलेट्स हैं, रेडीमेड हैं, यही आपके सामने हैप्पी बर्थडे कार्ड है, और आपके साथ में बर्थडे के अलावा एनिवर्सरी कार्ड जो भी आपको बनाने हैं आप इसमें इजीली बना सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल रिज्यूम। ये सैंपल सा रिज्यूम के आप जिस पे भी क्लिक करेंगे सामने आ जाएगा, बाकी सारे के सारे आपके जितने भी रिज्यूम है सारे साइड बार में आ जाएंगे। आप किसी भी रिज्यूम को क्लिक करके किसी का भी एक टॉपिक उठा के आप उस पर इजिली चेंज कर सकते हैं। अगर चेक करते हैं ये क्या है हमारा कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड ही बोलते हैं इनको। आप ये देखिए एक से एक बढ़ गए विजिटिंग कार्ड्स है, आप इनको भी वहाँ जाके इजिली बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेक करते हैं इसके अंदर प्लानर्स, ये टू डू प्लानर्स होते हैं वीकली और डेली और मंथली बेसिस पे, तो ये कुछ प्लानर्स हैं वीकली प्लानर्स, आप इनको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी बहुत प्रेजेंटेशन देख लीजिए आप, बहुत काम की चीजें हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं या किसी भी सर्विस में हैं, जॉब में, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, तो रेडीमेड प्रेजेंटेशंस हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक क्लिक करता हूँ बिजनेस के ऊपर, और बिजनेस प्लान ही ले लेते हैं, चलो पहला प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रपोजल ले लेते हैं। क्लिक करा, आप देखेंगे इसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं स्लाइड्स की तरह, स्लाइड वन, स्लाइड टू, स्लाइड थ्री। एक चेक करते हैं यूज दिस टेम्पलेट, ये देखिए ये पहला कवर, ये सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड और ये फोर्थ स्लाइड। अगर आपको पीपीटी पे काम करना नहीं आता या पीपीटी पे भी आप अगर काम कर रहे हैं तो रेडीमेड स्लाइड्स लेके यहाँ से भी आप निकाल के वहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए पूरा पूरा एक बना बनाया स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है, आप इसमें चेंजिंग करके अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप इसका यूज करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इन सबको मैं बंद करता हूँ। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लोगो और बैनर डिजाइनिंग। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, यहाँ से आप क्या क्या बना सकते हैं आपको बता दिया मैंने। मैं होम पे चलता हूँ एक बार, कुछ भी आपको बनाना हो यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करके टाइप करेंगे आपके सामने उसका पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैनल आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपको लोगो बनाना है, बैनर बनाना है, पोस्टर बनाना है, ठीक है, और आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, सोशल फीड बनानी है, ये पोस्ट है, ये लोगो है, ये पोस्टर्स हैं। अगर आपको पोस्टर बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, बहुत वैरायटीज के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं। और यूट्यूब थंबनेल्स, प्रेजेंटेशंस, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर बना आपको बनाना है, फेसबुक पेज का कवर होता है, ठीक है, आप यहाँ से बना सकते हैं। यूट्यूब का चैनल आर्ट यहाँ से बना सकते हैं। वीडियोज आपको बनानी है तो वीडियो के काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे सैंपल्स हैं, एक आप इसका सैंपल दिखा देता हूँ आपको। देखिए सपोज कीजिए मैं ये वीडियो इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, एक रेडीमेड आपके सामने, मैं इसको लेता हूँ यहाँ से, बना बना साइड बार बना हुआ है। देखिए ये पूरा साइड बार है और इसके बीच में एक छोटा सा जो पार्ट है ये है वीडियो, चेक करते हैं एक बार, प्ले करते हैं, ये देखिए थोड़ा नेट स्लो आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। आपको अगर आपका कोई छोटा सा वीडियो भी आपको बनाकर डालना तो साइड बार यूज करके बीच में कुछ नहीं करना, केवल ये देखिए ये छोटा सा एक वीडियो का पैनल है, ये वीडियो बीच में लगा के इसको प्लेस करके और इसको एक वीडियो का रूप दे दिया विद बैनर। ये क्रिएटिविटी अच्छी है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। देखिए वीडियो वन, वीडियो टू, दो टाइप से वीडियो आप दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था वीडियो का पार्ट। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि canva.com के ऊपर हम मल्टीपल चीजें बना सकते हैं, रेडीमेड पोर्टल है, ये पेड भी है और फ्री भी है। ठीक है,
दोनों उस पर काम कर सकते हैं, पे वाला फ्री वाला भी। बाकी फ्री वाले के अंदर ही काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा कैनवा का एक छोटा सा रिव्यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके साइड बार के बारे में, ये जो आपका साइड में आता पूरा साइड बार इस टाइप से, ठीक है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, वीडियो कैसे लगानी है, म्यूजिक, टेक्स्ट एलिमेंट्स, फोटोज और टेम्पलेट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।